गेंदबाजी लेकर बहुत अच्छी गेंद, गेंदबाज का नाम बता दे तो नहीं, गेंदबाजी लेकर जावेद, गेंदबाजी लेकर जावेद शामला करेंगे अरुण सिंह। जावेद चले एक बार फिर गेंदबाजी लेकर, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, वहां पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 174 रन बनाए हैं पूरा ने, 175 रनों का लक्ष्य दिया है, 30 ओवर में 175 बनाए हुए हैं कि जीतने के लिए और 10 विकेट निकालने हो कि पूरा को मैच जीतने के लिए। जावेद एक बार फिर, अरे हो निकल गई गेंद सीमा भाजपा हत्या करने के लिए, पहला चौका निकलता हुआ अरुण के बल्ले से। जावेद एक चौका खाने के बाद एक बार फिर शाहिद गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, शाहिद सिद्दीकी, राहुल बल्लेबाज ने एक अच्छी बल्लेबाजी की और पहुंचाया। एक बार फिर जावेद भी चले गेंदबाजी लेकर, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, वहां पर एक रन भाग कर पूरा किया, 21 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा एक ओवर की समाप्ति पर 5 रन एक विकेट बाहर जाने के बाद बारी का पारी आई गेंदबाजी लेकर। और शालू महाराज पूरा वाले मजा लेते हुए क्रिकेट का एक बार पुनः चले गेंदबाजी लेकर, बहुत अच्छी गेंद, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 6 रन। और इस टूर्नामेंट की अध्यक्षता कर रहे हरगोविंद चौरसिया जी, टूर्नामेंट आयोजक है कुंवर चौरसिया जी, टूर्नामेंट उपाध्यक्ष है राजेंद्र चौरसिया जी, टूर्नामेंट सचिव है अजय चौरसिया जी। एक बार फिर गेंदबाजी लेकर पुनः उठा दिया है, उसके नीचे खिलाड़ी है क्या नहीं, थोड़ी सा दूर रही गेंद, एक रन भाग कर पूरा किया और दूसरा रन भी ले भागे दोनों बल्लेबाज और इन दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 8 रन, 8 रन पहुंचा टीम का स्कोर। एक बार फिर चले गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद, ए साहिल जरूर चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाज अटेंशन दौड़ियो के माध्यम से गेंदबाज के पास राणा जी का इनाम जारी है, बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए। एक बार फिर चली गेंदबाजी लेकर, बहुत अच्छा शॉट, आगे मिली गेंद और इस पर प्रहार कर दिया गेंद, चली गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी लेकर, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पता जरूर चलाया था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। जैदीप रजा अटकोहा वो भी हमारे बीच मौजूद है, जैदीप रजा अटकोहा उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार पुनः गेंदबाजी लेकर तैयार है, एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, फर्स्ट बाउंस और वाइड, ये इतना नोट मिलेगा, वाइड करार दिया है एम्पायर ने। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा पारीगढ़ का 15 रन, 15 रन पहुंचा टीम का स्कोर। एक बार फिर
बड़ा खेल दिया है। जय की गेंद लोग आपकी दिशा से गेंद थी हमारे खाते बाहर। कहेंगे राहुल क्या नाम है क्या वेट पुनः है गेंदबाजी लेकर धन्यवाद। बहुत अच्छी गेंद थी बल्ला जरूर चलाया था व्हाइट गेंद का इशारा एक रन और बोलता हुआ और हाँ पूरी गाली जो वाली मिल रही नीली वाली जावेद एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद वहां पर गली पर खिलाड़ी मौजूद है रन लेने की कोई जगह या गुंजाइश नहीं है। और राहुल जी के बारे में हम बता दें कि काफी मेरे पसंदीदा खिलाड़ी भी रहे हैं और कभी ऐसा सामना हुआ नहीं है लेकिन श्रेयस वाजपेयी जी जरूर कई बार हमारे एरिया में आ चुके हैं और काफी परिचित हैं हम उनसे आज जरूर उनका खेल देखने को मिला एक बार फिर। बहुत अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद व्हाइट गेंद का इशारा एक रन और मिलेगा। एक इनाम जारी है जो भी बल्लेबाज 50 रन बनाएगा 200 रुपए की राशि दी जाएगी सोनू राणा जी की तरफ से। क्या खूबसूरत इनाम लगाकर इनामों की निछावर करती है सोनू राणा ने एक बार जोरदार तालियां सोनू राणा जोड़ा के लिए। गेंद हल्के हाथों से निकाला वहां पर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है एक रन भाग कर पूरा किया एक रन के साथ स्कोर ऐसा पहुंचा 22 रन। छोटू चौरसिया हमारे छोटे भाई है एक बार पुनः चले गेंदबाजी लेकर जावेद बहुत अच्छी गेंद जावेद की कट करना चाहते थे लेकिन क्योंकि काफी का काम विकेट कीपर ने किया तो इनामों की पहुंचार करते हुए सोनू राणा जी जो हवाले क्रिकेट के काफी शौकीन है लोकुश नगर में भी आ चुके हैं भाई को फाइनल चल रहा था वहां पर भी अपना समय दिया था इन्होंने एक बार फिर पूरा खेल दिया वहां पर खिलाड़ी मौजूद जानकारी देंगे सभी का उत्साह वर्धन करते खिलाड़ियों का कमेंटेटर का सभी लोगों का एक बार फिर हाथ तो आया पर मुंह ना लगा चेंज आउट होते लेकिन वहां पर विकेट कीपर ने एक कैच निकाल दिया समय का थोड़ी सा ध्यान दें क्योंकि यदि इसी तरह से समय चलता रहा तो मुझे नहीं लगते कि सही सही कोई बात नहीं आएगा फिर से लेने आ गया फिर बहुत अच्छी गेंद इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष बहुत अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद गेंद रन भागकर पूरा किया एक रन के साथ स्कोर का पहुंचा दूसरा रन भी पूरा कर लिया लूज फील्डिंग के चलते और इन दो रनों के साथ स्कोर का पहुंचा 24 रन। चले श्रेयस एक बार फिर गेंदबाजी कर रहे हैं लपेटना जरूर चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं गेंद पुनः जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में और टूर्नामेंट आयोजक है कुंवर चौरसिया जी टूर्नामेंट उपाध्यक्ष है राजेंद्र चौरसिया जी टूर्नामेंट सचिव है अजय चौरसिया जी टूर्नामेंट से संयोजक है वीरपाल यादव जी टूर्नामेंट फायरिंग का कारभार भी संभाल रहे हैं वीरपाल यादव जी और मंजूरी जी दीपक चौरसिया जी अजय चौरसिया जी और वीआईपी मंच पर मौजूद है आकाश चौरसिया जी पारीगढ़ वाले और थाना प्रभारी महोदय उनके साथ सोनू राणा जी जो रहा एक बार फिर
बहुत अच्छी गए और बहुत अच्छी गए, बड़ा ही अच्छा सम्मान बल्लेबाजी द्वारा स्पीड पर खेला था, लेकिन गेंदबाज ने अपनी ही बॉलिंग जो पर गेंद को बिगर दिया, रन लेने की कोई जगह या कोई जायज नहीं है। जावेद आउट, बिल्कुल यहां पर शार्प आउट होते हुए उसका नाम जरूर जानेंगे इस गेंद के बाद। चली गेंदबाज जावेद अच्छी गेंद पर लगी, एक रन भाग कर पूरा किया, बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। सौरभ होने सारा करते बल्लेबाज है, गेंदबाजों के लिए भी और बल्लेबाजों के लिए भी। एक बार फिर जावेद चले गेंदबाजी लेकर, बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर हो रहा है। कसी रहेगी तो निश्चित रूप से मैच में मजा आएगा, यदि कसी हुई गेंदबाजी चलती रही। एक बार फिर चली गेंदबाज, एक रन भाग कर पूरा किया और एक रन के साथ स्कोर पहुंचा बाजी का 34 रन। तो अभी तक जो शुरुआत कही जाएगी थोड़ा सा धीमी शुरुआत पानी करके बल्ले बाजों की तरफ से, क्योंकि दो गिर चुके हैं। एक बार फिर सामना करेंगे गेंदबाज जावेद का बल्लेबाज सौरभ के लिए चले, बहुत अच्छी गेंद, चुस्त फील्डिंग वहां पर गली की दिशा में, ऐसी फील्डिंग करनी होगी। ओवर हुआ समाप्त, 5 ओवर की समाप्ति पर 34 रन, 2 विकेट पारी गए। चली गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद पैट से टकराई, एक रन भाग कर पूरा किया। गेंदबाज का नाम जरूर जानना चाहेंगे संजय जी और राहुल जी, यदि थोड़ा सा क्लियर कर दे कौन है गेंदबाज, क्या नाम है राहुल? दीपेंद्र, दीपेंद्र को इशारा कर दे, दीपेंद्र आए हैं गेंदबाजी लेकर। दीपेंद्र क्षेत्र रक्षण तैयार करते हुए, 30 रन अभी तक बने हैं, 2 विकेट बाहर गए हैं। एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद, पढ़ने के बाद सीधे निकल गई, कोई मौका नहीं था बल्लेबाज संजय के पास बनना चाहने का। सौरभ जो की जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, और अब बल्लेबाजी एक अच्छे अंदर कहे जाएंगे। सौरभ गेंदबाजी थी तो पूरी तरह से अपना काम कर दिया था, अब बल्लेबाजी से क्या कुछ कर पाते हैं सौरभ। एक बार फिर चली गेंदबाज, पुनः खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जाती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर, और फिर बहुत अच्छी गेंद उसको खेल दिया, एक खिलाड़ी उसके पीछे है, क्या गेंद को रोक पाएगा? बिल्कुल वहां पर, ओहो थोड़ी सी और स्पीडिंग, 2 रन भाग कर पूरे किए, और इन 2 रनों के साथ 41 रन पहुंचा टीम का स्कोर। यहां पर शायद कुछ फाइनल मैच साहिल है। साहिल और जरूर निश्चिंत रहे, एक बार फिर चली गेंदबाजी लेकर और पकड़े जाएंगे उनके साथ मोंटी शुक्ला जी, अरविंद दादा मौसम महाराज बता दिया है।
वितरण होता है तो उसमें समय लगता है, इसका जरूर ध्यान रखें। जावेद आई गेंदबाजी लेकर, एक बार फिर घर है हमारे बीच, एक और संजय जोशी जी वो भी आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रेय ग्रेनाइट के संचालक है संजय जोशी जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। संजय जोशी जी का श्रेय ग्रेनाइट के संचालक संजय जोशी जी हमारे बीच मौजूद, और वी आई पी मंच पर मौजूद है सोनू राणा जी जोराहा वाले, उनके साथ आकाश चौरसिया जी भारीगढ़ वाले, वो भी जिला क्रिकेट का लुफ्त उठाते हुए, और टूर्नामेंट आयोजक कुंवर चौरसिया जी, तमाम वी आई पी लोग आज वी आई पी स्टैंड पर भरा हुआ हमारा खचाखच। चलते एक बार फिर गेंदबाज जावेद के पास, जावेद एक बार फिर चले, बहुत अच्छी गेंद है, हल्के हाथों से खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, मोलू किसी हुई फील्डिंग। फाइनल मुकाबला चल रहा है, फाइनल मुकाबला चल रहा है, और अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता किसके मैच पक्ष में है। अभी गेंदबाज यदि टाइट गेंदबाजी अभी तक की है, एक ही है, ये तो चार विकेट गिर चुके हैं। एक बार फिर खूबसूरत शॉट, एक खिलाड़ी मौजूद छोटू चौरसिया जी और अजय चौरसिया जी दोनों से अनुरोध करेंगे, समय का थोड़ी सा अभाव है, समझदार है। एक बार फिर फोटोग्राफी चलती हुई, और चलिए एक बार फिर छतरपुर एक्सप्रेस, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी प्रकार से यदि गेंदबाजी चलती रही है और बल्लेबाज इसी तरह से खामोशी से बल्लेबाजी करते रहे तो 175 रन बनाने हैं। एक बार फिर चली गेंदबाजी लेकर, एक खिलाड़ी वहां पर स्वयं मौजूद है, एक रन भागकर पूरा किया और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 45 रन स्कोर जा पहुंचा, और ओवर हो चुके हैं 7 ओवर 45 रन, लगना फंसेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक बार फिर गेंदबाजी लेकर चले, निकाल दिया है वहां पर सेकंड स्लिप और गली के बीच से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा बारीगढ़ का 49 रन, 49 रन पहुंचा स्कोर। गेंदबाजी लेकर चले, पहले निकाल दिया है लेकिन अब फील्डर मौजूद, एक रन भाग कर पूरा किया, थोड़ा सा मिस फील्डिंग कर बैठे वहां पर लगे, एक रन के साथ 50 रन पूरे बारीगढ़ के, जोरदार तालियां जरूर बजाते चले दर्शक, 50 रन पूरे हुए इस सिंगल के साथ। 8वां ओवर चल रहा है, और चले गेंदबाज एक बार फिर हल्के हल्के कदमों से, शाहिद सिद्दीकी ने खेल दिया है गली और पॉइंट के बीच से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पास, वहां पर एक खिलाड़ी की अच्छी दौड़ है, रोक पाएंगे कि नहीं, नहीं रोक पाएंगे, गेंद सीमा रेखा के बाहर जी, थोड़ा सा भ्रमित हो गए थे। चलते एक बार पुनः गेंदबाज के पास, साहिल सिद्दीकी ने फ्लिप कर दिया हेलीकॉप्टर स्टाइल से, वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद मोलू, एक रन भाग कर पूरा किया, और इस एक रन के साथ बारीगढ़ का स्कोर जा पहुंचा 55 रन, ओवर चल रहा है 8वां, 55 रन बने हैं। एक बार फिर गेंदबाजी लेकर चले गेंदबाज, हटा दिया गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, एक बार फिर गेंदबाजी लेकर चले, एक छक्का जरूर लग चुका है,
अच्छी गेंद और उतने अच्छा वहां पर बल्लेबाज ने सम्मान दिया। ओवर हुआ समाप्त, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर क्या पहुंचा है 61 रन 8 ओवर 4 विकेट बाहर जाने के बाद साहिल सिद्दीकी। बहुत अच्छी गेंद, रिवर्स जरूर करना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। ओवर चल रहा है, नमा ओवर चल रहा है। एक बार फिर बहुत अच्छा शॉट, वहां पर स्टेज पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन बात कर पूरा किया और दूसरा रन भी आसानी से प्राप्त करेंगे और इन दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 63 रन पहुंचा टीम का स्कोर। बहुत अच्छी गेंद और स्टेड पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन पुनः भागकर पूरा किया और दूसरा रन भी ले भागे दोनों बल्लेबाज और इन दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 65 रन पहुंचा टीम का स्कोर। एक बार फिर चली गेंदबाज संजय, बहुत अच्छी गेंद संजय की, रिवर्स जरूर करना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का संपर्क नहीं हुआ। बार बार कुछ ट्राई कर रहे हैं नया बल्लेबाज साहिल सिद्दीकी। एक बार फिर पुनः निकल कर खेल दिया, स्टेज पर फूलचंद मौजूद, एक रन भाग कर पूरा किया और दूसरा रन भी ले भागे बल्लेबाज और इन दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 67 रन पहुंचा टीम का स्कोर। चलिए एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद और ओवर शायद समाप्त हो गया, 9 ओवर की समाप्ति पर 66 रन 4 विकेट भारी कर 67 रन है टीम का स्कोर। और मैं जानती हूँ 65 गेंदे 97 रनों की आवश्यकता, 65 गेंदे 97 रन, 6 विकेट शेष है, अब जरूर मजा आएगा। एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद, वाइड गेंद का इशारा, 96 रनों की आवश्यकता, गेंदें बची है 65 विकेट गिराने होंगे 6 बनाने होंगे। एक बार पुनः चले गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद निकाल दिया असली पॉइंट पर, खिलाड़ी मौजूद गली की दिशा में, एक रन ओवर और सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 69 रन पहुंचा टीम का स्कोर। शानू महाराज पुरा वाले पूरा मजा लेते हुए उनके साथ अरविंद दादा, अनिल शुक्ला और मोंटी शुक्ला और जैदीप राजा अटकोहा भी मौजूद है, जैदीप राजा अटकोहा और काफी दूर दूर से लोग मैच देखने के लिए आए हैं, कोई अटकोहा, कोई लवकुश नगर, कोई सर्वई, कोई चंद्रा, बड़ा मैच चल रहा है, फाइनल मुकाबला। एक बार फिर चले गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद वहां पर खेल दिया है, एक रन भाग कर पूरा किया और एक रन के साथ जाता हुआ स्कोर 70 रन पहुंचा टीम का स्कोर। हाँ
थोड़ा सा हम यहाँ जोड़ करके ही बोलते हैं, आप निश्चिंत रहिए थोड़ा सा शायद आपका कैलकुलेशन। संतानवे रन ही चाहिए थे, आप थोड़ा सा और टोटल कर लें, शायद आपकी गणित थोड़ा सा वीक है तो हमारे स्कोर भाई धन्यवाद। हम करके ही जोड़ते हैं एक बार फिर, या तो स्कोर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत अच्छी गेंद बार बार यहां से बोल रहे हैं कि कृपया बहस ना करें। अब किस बात की, अब आप लोग गेंद मांग रहे थे आप, अब जो गेंद सही है और निकल भी गई फ्री हिट, कोई खास बल्लेबाजी वो गेंद पर नहीं दिखा सके बल्लेबाज। एक बार फिर लाइव भी चल रहा है मैच बराबर, एक बार फिर जल्दी जल्दी गेंदबाजी करते चले क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मैच यदि इस तरह से लेट चलता रहा तो अभी दसवां ओवर चल रहा है, 10 ओवर आने शेष है, 12वां ओवर चल रहा है, 174 बनाए थे पुराने, 175 रनों का लक्ष्य दिया है निर्धारित 20 ओवरों में। एक बार फिर चली गेंदबाजी लेकर बहुत अच्छी गेंद ऊपर से थी स्टंपों के और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाएगी खिलाड़ियों के माध्यम से पुनः गेंदबाज के पास और सोनू राणा जी ने रामो जीने वाले बल्लेबाज को 1100 रुपए लगातार तीन विकेट निकालने वाले गेंदबाज को भी 1100 रुपए इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा पारी का 79। वहां पर है मोर क्यों रखी है जी, गेंदें वहां पर रखी है, चलिए एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद है, इस बार थोड़ी सी जरूर वापसी की है गेंदबाज चले और शॉट खेलना चाहते थे पुनः बीट हो गए। से नीचे का कोई इनाम नहीं भूला जाएगा, 1550 के नाम नहीं आप बोलते, फाइनल मुकाबला राशि अब आइए तब नाम बोलेगा, चाहे का नाम लगाइए, समय का विशेष ध्यान, समय का अभाव है। चलिए एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद अपील वहां पर 1100 रुपए इस तरह के नाम लगाए थोड़े से बोलने में मजा आए, पुल किया है उसके नीचे मोलू होंगे क्या नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों का इशारा। एक बार फिर गेंदबाजी लेकर जबरदस्त गेंदबाजी जबरदस्त गेंद बाहर अच्छी गेंद अच्छी गेंद गेंद 90 रन 5 विकेट की आवश्यकता है गेंदबाजों को और बार फिर चली गेंदबाजी लेकर होना उठा दिया है उसके नीचे एक खिलाड़ी को एक रन और मिलेगा। फिर चली गेंदबाज बहुत अच्छी गेंद फ्लिप करना चाहते थे गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाएगी खिलाड़ियों के माध्यम से गेंदबाज के पास, एक रन जरूर मिला है। चली गेंदबाज एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद गेंदबाज के लिए कसी हुई गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज, इस ओवर में बांध कर रखा है दोनों बल्लेबाजों को। कोई संपर्क नहीं, ओवर समाप्त, 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर का पहुंचा है
87 रन 13 ओवर 5 विकेट बाजी कर को भी और अच्छा शॉट बहुत अच्छी खेलते बहुत अच्छी खेलते चली गेंदबाज एक रन भाग कर पूरा किया बल्लेबाजों ने और अच्छी फील्डिंग वहां पर दो रन ले भागे दोनों बल्लेबाज स्कोर जा पहुंचा 90 रन उधर पड़ती है लेग स्टंप के बाहर और आ जाती है सीधे ऑफ स्टंप पर गेंद ये है गेंदबाजी समझ नहीं धीरे फिसल जाएगा इस प्रकार से मुट्ठी से रेत फिसल जाती है हेलो एक बार फिर क्वाइट गेंद था पिछले रसिया जनरल स्टोर की तरफ से एक इनाम आया है इनाम आया है कि यदि पूरा मैच जीतती है तो 2100 रुपए दिए जाएंगे पूरा कप्तान को चौरसिया जी की तरफ से और रिंपी महाराज क्या खूबसूरत इनाम लगाया है जोरदार तालियां बहुत अच्छा शॉट वहां पर खेल दिया है जोरदार तालियां जरूर बजाई जाए शेरू राणा जी के लिए और उठाया है गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन जबरदस्त छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से आएगा उसको 501 रुपए की राशि दी जाएगी एक बार फिर चले गेंदबाज रन करना चाहते थे गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं रन जा पहुंचे हैं 98 रन सालू महाराज नजर नहीं आ रहे आज पुरावा ने इधर फिर चले गेंदबाज से लेकर बहुत अच्छी गेंद शानदार गेंद कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए टूर्नामेंट उपाध्यक्ष राजेंद्र चौरसिया जी एक बार फिर चले गेंदबाज उठा दिया है क्या उसके नीचे है कोई प्लेयर नहीं मुझे तो नहीं लगता रुक पाएगा न्यूमैन्सलैंड में गेंद गिरती हुई गेंदबाज का एक बार फिर चले गेंदबाज वाइट गेंद का इशारा एक रन और मिलता हुआ शोरन पूरे हुए सिंगल के साथ पारी करके क्योंकि आवश्यकता है गेंदबाजों को धन्यवाद उठा दिया है और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों का इशारा एम्पायर का बारीगर का 107 पूरी तरह से पकड़ बना रखी है ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पास एक खिलाड़ी मौजूद एक रन और मिलेगा पूरा मजा लेते हुए क्रिकेट का अरविंद यादव जी पुरा वाले एक बार फिर
अब क्या होगा पेच वहाँ कोई शायद खिलाड़ी मौजूद नहीं है, शायद सिद्दीकी के रन बताए जाए कितने बन चुके हैं। जय है भैया पुरा के कप्तान विपिन महाराज। एक बार फिर चले गए पास, बहुत अच्छी गेंद, सेकंड से तैयार है, रन लेने की कोई जगह या गुंजाइश नहीं है। ओवर का है सत्रमा, सत्रमा एक बार फिर चली गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद, उससे 501 रुपए की राशि दी जाएगी साहिल सिद्दीकी को, यदि पूरे करते हैं 50 रन। चलिए एक बार फिर उसी उम्मीद में अभी भी दर्शक रुके हुए हैं कि कुछ हो दम मजाए। एक बार फिर पसी हुई हिंदू है और पसी हुई चैंपियन में सुबह के बाद बोलिंग है पूरा मजा लेते हैं हमारे लिए भी ठीक है अच्छा उन्होंने ले लिया। खिलाड़ी मौजूद है, स्कोर जरूर बताते जाए कितना जा पहुंचा इस सिंगल के साथ। आखिरी ओवर है 19वां, अंतिम जोड़ी मैदान पर, बहुत अच्छी गेंद, ओवर समाप्त, 6 गेंदें आनी शेष, शालू महाराज पूरा वाले पूरा मजा, अंतिम ओवर है और 6 गेंदों में रन तो नहीं बन पाएंगे उसमें, लेकिन और सुरेंद्र चौरसिया जी की जिन लोगों ने उधारी दी है तो उनको पैसे जरूर दे जाए, क्योंकि यहाँ के बाद फिर वो कोई देखेगा नहीं, जरूर उनकी दे दे ताकि वो आपको ना खोजे और आप उनको ना खोजे, दोनों का मैटर यही समाप्त हो जाए। क्या स्कोर विपिन महाराज, एक बार फिर चले उठा लिया विपिन महाराज की गेंद को, गेंद सीधा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए 138 रन पहुंचा स्कोर, पुनः खेल दिया है वहां पर और 4 रनों का इशारा आता हुआ और फचा फच छोटे गेंदबाजी देकर और
थ्री पॉइंट बाय।